हेलो एवरीवन वी आर बैक विद द मॉड्यूल सिक्स थेरी ऑफ फ्रैंक यंग वेरी इंपॉर्टेंट इन एंटरप्रेन्योरियल चैप्टर अब ये साहब जो हैं इन्होंने इंटायरली एक नया आइडिया पेश किया था जैसे मैंने आप तक बताया कि शम्पीटर साहब बात करते हैं आगे बात करेंगे जो छः सात और हमारे थेरिस्ट हैं उनके ऊपर बात करेंगे लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर क्या इंडिविजुअल आपकी जो अंदरूनी मामला होते हैं उनसे ड्राइव होती है। यानी आपकी इंटेंशन या एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन के साथ आप वेंचर्स को खोलते हैं और मार्केट के अंदर आते हैं फ्रैंक यंग साहब का यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म से इख्तलाफ है वो कहते हैं कि इंडिविजुअल को जब तक वो ग्रुप पैटर्न पे नहीं आएगा तब तक हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे कि वो एंटरप्रेन्योर है अब यहां पर वो अपोज करते हैं कि टू द इंडिविजुअलिस्टिक थेरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यंग ओपिनियन दैट द आंटरप्रनोरियल करेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्जर्व इन एथनिक ग्रुप्स वन क्लस्टर टू ऑक्यूपेशनल ग्रुप थ्री ग्रुप्स ऑफ पोलिटिकल ओरिएंटेशन ये चार अच्छा वो ये कहते हैं कि क्लस्टर में करो ग्रुप्स में करो ऑक्यूपेशन ग्रुप्स में करो एथनिक ग्रुप्स में करो लेकिन इंडिविजुअलिटी की बेस पर आंटरप्रनशिप या कोई बिजनेस ड्राइव नहीं हो सकता यानी वो सिंगल रिफ्रैक्शन ऑफ अ ब्रेन को नहीं मानते अच्छा अब इसके ऊपर हम इसको एड ऑन जरूर कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कि इनका आइडिया हंड्रेड परसेंट ठीक था हम ये कहेंगे जरूर और अब तक हम ये देखते हैं कि जितने बड़े आइडियाज हैं चाइना की अगर मिसाल ले लें तो जैकमा का नाम जो है वो आप मेरे ख्याल में कोई कमर्शियल पर्पस नहीं रह गया अब जैकमा जो है वो अब आप देखें कि इतना बड़ा नाम बन गया उसने ताबाओ खोल दिया उसने अली पे खोल दिया उसने डिजिटाइजेशन को एक बड़ी दुनिया दे दिया और उसने कमर्शियल रिटेलिज्म को एक नई दुनिया दी वो एक आदमी था उस एक आदमी ने एक आइडिया दिया उसकी बेस पे आइडियाज चले अच्छा क्लस्टर बनते हैं ऑक्यूपेशनल ग्रुप भी बनते हैं अगर पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की मैं यहाँ बात करूँ तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन तो बहुत सख्त थी वहां पर चाइना के अंदर पोलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो बाकी दुनिया से काफी डिफरेंट है यानी आप यूं समझ लें कि पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है और चाइना का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है इस स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए भी जहाँ पे आपको पॉलिटिकल ओरिएंटेशन बिजनेस बैकअप्स के अंदर उतनी ज्यादा मजबूत नहीं मिलती जहाँ पर कहीं और मिल सकती थी लेकिन एक आंटर वहां पर आया और उस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर में वो स्ट्रक्चर बनाता चला गया दूसरी बात वो कहते हैं रिएक्टिव वो है रिएक्टिव टू सब ग्रुप्स है और वो कहते हैं कि सोसाइटी विद लीड टू एंटरप्रेन्योरियल वेंचर अंडर टू फॉलोइंग केसेस पहला वो देते हैं जी इफ ग्रुप इज ऑप्रेस्ड एक्सपीरियंस लो स्टेटस एंड डिनाइल ऑफ एक्सेस टू इंपोर्ट इंपोर्टेंट सोशल नेटवर्क और वो कहते हैं कि इफ अ ग्रुप ग्रेटर इंस्टीट्यूशन रिसोर्स देन द ग्रुप्स अब वो ये कहते हैं कि रिसोर्स और इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर चले जाते हैं

कि मैं पैरल टू गवर्नमेंट आ जाता हूं अच्छा वो इस फ्रैंक जो है इस आइडिया को कट करते हैं और वो कहते हैं कि इसको इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए और इस इंस्टीट्यूशन होने से फायदा ये होगा कि आपके रिसोर्स जो है वो पूरे ग्रुप में बटेंगे क्लस्टर में बटेंगे ऑक्यूपेशन में बटेंगे और इसकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन भी एज पर द स्टेट रूल आ जाएगी यहां पर हम मजीद बात करते हैं कि माइक्रो सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आंटरप्रनोरशिप को रेफर करते हुए वो कहते हैं वो साइकोजेनिटी uh, जो है उसको uh, रद्द करते हैं वो कहते हैं एक आदमी के तखयल या ख्याल को वो बदलते हैं वो कहते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ही कंसीडर द सोलिडरिटी ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप अगेन वही बात आ गई यानी ग्रुप पैटर्न्स को लेके चलते हैं। इसके आगे मैं टी ए टी की बात करूंगा उन्होंने uh, एक टेस्ट रन किया उस टेस्ट के अंदर उन्होंने अप्रीहेंशन दी ग्रुप्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर एक आदमी के ख्याल या बहुत से आदमियों के ख्याल को क्लस्टर करके पेश करने की कोशिश की तो वो आइडिया कितना जानदार था ये भी उन्होंने आगे पेश किया इसमें अगर हम देखें तो फ्रैंक जो है वो बेसिकली माइक्रो सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो एंटरप्रेन्योर की डेवलप करते हैं और वो ये करते हैं कि एक साइकोजेनिटी uh, डेवलप ना की जाए उसमें ये ना हो कि इंसान साइकिक प्रिजन में चला जाए वो साइकिक प्रिजन के साथ होता है बाय द वे मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट एक एंगल ले रहा हूँ कि जब एक आंट्रप्र जो होता है उसको पता होता है कि मैंने एक चीज को क्रिएट किया तो क्रिएटर एटीट्यूड आ जाता है उस क्रिएटर एटीट्यूड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रैंडियोसिटी भी आ जाती है ग्रैंडियोसिटी के बाद जो है उसके अंदर हम्बेलिटी कम हो जाती है उसके अंदर जो मोडेसिटी है वो कम हो जाती है और वो समझता है कि मैं अकलेक्ल हो गया हूँ ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं लेकिन जो आपने अक्सर सेठ में

वो ये इस चीज को मानते हैं और इंटरप्रेट करते हैं कि किनोर को इंस्टीट्यूशनलाइज uh, किया जाए तो आप इसको इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आइडियाज या एंटरप्रेन्योर्स को क्लस्टर की शक्ल देके वो इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं दिस इज हाउ वी हैव कंसीव द आइडिया ऑफ मॉड्यूल सिक्स बाय द फ्रैंक यंग हम इससे अगले मॉड्यूल के अंदर आपसे फिर मिलेंगे